हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये दोस्तों, तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने नौकरियों की भरमार लगा दी है, बहुत सारी नौकरियां अनाउंस कर दी है। ये देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 24 तक आ गई है। डेली 2-3 एडवर्टाइजमेंट आ रही है और काफी सारी जॉब का अनाउंस कर दिया। अभी जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, ये 150,000 लेक्चरर की जॉब है। 1,000 लेक्चरर भर्ती करने के लिए एड दे दी, एडवर्टाइजमेंट दे दी है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। तो इसकी डिटेल पे जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल गवर्नमेंट जॉब अनऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन होगा उस पर को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं किसी जॉब के बारे में इंटरव्यू कोई लेटेस्ट अपडेट करूँ यहाँ पे, वो डेट गुजरने से पहले पहले आप लोग देख सकें। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं, मैं आपको डिटेल पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 24 है, इसको हम क्लिक करते हैं, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे देख दिखाता हूँ आपको, तफसील के साथ बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये सबसे पहले यहाँ पे लेक्चर फीमेल है ऑन रेगुलर बेसिस, यहाँ पे कोई किसी किस्म का कॉन्टेक्ट नहीं है। ये 1435 फीमेल लेक्चर की जॉब है और 1016 जॉब जो है वो मेल लेक्चर की है। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो मास्टर डिग्री एटलीस्ट सेकंड डिवीजन इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन प्रोवाइडेड दैट पास द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश, एमए थर्ड डिवीजन विद डिप्लोमा इन इंग्लिश फ्रॉम अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी विल सो बी एलिजिबल। वो कह रहे हैं जिन्होंने अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया हुआ है मास्टर इन इंग्लिश, वो भी एलिजिबल है। यहाँ पे मैं आप लोगों को आप अकेले के लिए बताता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट की और कितने कितनी सीट्स हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले फीमेल भी आ जाए, फीमेल में अरेबिक की जो है वो टोटल 13 सीट्स हैं, बायोलॉजी की टोटल ओपन मैट 47 है और टोटल जो है वो 15 है। इसी तरह बॉटनी की ओपन मैट 15 है और टोटल 15 है। केमिस्ट्री की 92 है और टोटल सीट्स जो है वो 100 है, क्योंकि इसमें जो 5 है वो मिनोरिटी कोटा के लिए है और 3 जो है वो स्पेशल पर्सन के लिए है। इसी तरह कॉमर्स है 15 है, कंप्यूटर साइंस की 56 है फीमेल के लिए, और यहाँ पे देखें 3 मिनोरिटी कोटा के लिए और 1 जो है वो स्पेशल पर्सन के लिए, और टोटल जो है वो 60 सीट्स है। यहाँ पे फिफ्थ इकोनॉमिक्स की 65 है और टोटल 70 है, इंग्लिश की 80 है, सॉरी एजुकेशन की 80 है और इंग्लिश की 200 सीट्स हैं, 200 सीट्स हैं इंग्लिश की। फाइन आर्ट्स की 6 हैं, ज्योग्राफी की 20 हैं, हिस्ट्री की मेरा ख्याल दोस्तों मुझे ये यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का लिंक भेजना चाहिए, यहाँ पे अकेले इतनी लेंथी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी क्योंकि पहले फीमेल की बताऊंगा फिर मेल की बताऊंगा, काफी लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं इसका जो इसकी भर्ती का अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है, अगर कोई किसी के पास कोई डिग्री हो और वो कहे कि मेरी डिग्री जो है वो इक्विवेलेंट है मास्टर डिग्री को, तो उसको जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करना होगा कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, जो भी यूनिवर्सिटी से उसने वो डिग्री की होगी। उसके अलावा जो एज लिमिट है वो फीमेल के लिए 36 ईयर्स है और मेल के लिए 33 ईयर्स है। डोमिसाइल जो है वो आपका पंजाब में कहीं से भी होना चाहिए और आपकी पोस्टिंग जो है वो पंजाब में कहीं भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में हो सकती है।
इसका सिलेबस जो है पेपर पैटर्न जो है वो इस तरह का होगा, 100 मार्क्स का एमसीक्यू टाइप पेपर होगा और 80% मार्क्स जो है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होगा उसमें से 80% मार्क्स होंगे और जो आपने जो जनरल नॉलेज है वो 20% बेस्ड करेगा, 20% जनरल नॉलेज और 80% जो है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 8 सितंबर है, 8 सितंबर से पहले पहले आप लोग अप्लाई कर लें, बहुत सारी सीट्स हैं। अगर आपके पास किसी सब्जेक्ट में भी मास्टर डिग्री है, इस्लामी, पंजाबी, इस्लामिक स्टडी, पंजाबी, सोशल वर्क, सराइकी, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स, उर्दू, जूलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट में आपकी आपका मास्टर है तो यहाँ पे देखें, सबके लिए सीट्स जो है वो एलोकेट कर दी गई हैं और आप लोग जो है वो इस पे इजिली अप्लाई कर सकते हैं। इसका सब्जेक्ट वाइज अगर डाटा आप लोगों को चाहिए होगा तैयारी के लिए, हर सब्जेक्ट का जो लेक्चर की जो सीट्स है उनकी उनका डाटा आप लोगों को, कंप्यूटर का डाटा, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, हर सब्जेक्ट से जो रिलेटेड डाटा होगा वो आप लोग नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। मेरी कोशिश है कि जो भी मुझे आप लोगों में से रिक्वेस्ट करता है दोस्तों में से कि मम्मी इस पेपर की तैयारी के लिए डाटा चाहिए, वो मेरे पास अगर मौजूद ना भी हो तो मैं वो कहीं से कंपाइल करता हूँ, कलेक्ट करता हूँ, कलेक्ट करके आप लोगों को मेल करता हूँ। इसलिए जरूरी नहीं कि जिस टाइम आप मेल करें उसी टाइम में आप लोगों को डाटा जो है वो सेंड कर दूं, देर हो सकती है क्योंकि मैंने भी डाटा कलेक्ट करना होता है, हो सकता है जो डाटा आप पूछ रहे हैं वो मेरे पास मौजूद ना हो। और दूसरा ये जो हो सकता है वो कमेंट्स अभी मैंने रीड ना किया हो, मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे होते हैं उनको भी रिप्लाई करना होता है, और कोई एक वीडियो पर कमेंट नहीं आ रहा होता, सबको मैंने रिप्लाई करना होता, देर हो सकती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा पेशेंस से काम लिया करें और इंशाल्लाह डाटा जो है वो आप लोगों को मिल जाया करेगा। अगर लेक्चर की जॉब के बारे में कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टाइजमेंट नंबर 24 है, उसमें ये सारी जॉब जो है वो अनाउंस कर दी गई है। ये 1435 फीमेल की लेक्चर्स हैं और लेक्चर की जॉब है और 1016 जो है वो मेल लेक्चर के लिए है। इसमें आप लोग आपके अपना सब्जेक्ट देखेंगे, आपका मास्टर जो है वो किस सब्जेक्ट में है, उस सब्जेक्ट के अगेंस्ट देखें कितनी सीट्स हैं, ओपन मेरिट कितनी है, रुपी कितनी है और उस पर आप अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद 8 सितंबर से पहले पहले आप लोगों ने अप्लाई करना है। तरीकाकार अप्लाई करने का ये है कि आपने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे आ जाना है, यहाँ से इंफॉर्मेशन डेस्क से आपने डाउनलोड करना है चलान और उसकी चलान की जो फी होगी, ये चलान फॉर्म डाउनलोड करके इसको फिल करना है, इसकी जो फी होगी वो आपने नेशनल बैंक में जमा करवा देनी है। नेशनल बैंक में जमा करवाने के बाद आप लोगों ने वो फी की स्लिप अपने पास लेकर यहाँ पे आके ऑनलाइन अप्लाई करना है, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद आप लोगों को कुछ दिन में रोल नंबर स्लिप जो है वो इश्यू हो जाएगी और आपका जो पेपर है वो कंडक्ट हो जाएगा और इंशाल्लाह आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आप लोगों का होगा इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी और फाइनल मैनेजर से लग जाएगी और आपकी जो पोस्टिंग है वो मुतलका कॉलेज में हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो किसी जॉब से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं गाइड करूं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर जहाँ जहाँ आपके अकाउंट्स हैं, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी देखें, वो भी इससे फायदा उठा सकें, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकें। ये जरूरी नहीं होता कि आप इसको वीडियो शेयर कर दें, उसमें अप्लाई करना है, हो सकता है उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो इससे बेनिफिशियल हो सके। थैंक यू।